हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स चैप्टर 8 फॉर्मेटिंग इन एमएस पावर पॉइंट 2010 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 की एक्सरसाइज। फर्स्ट है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एवरी प्रेजेंटेशन में क्या होता है, चेंज केस, कलर स्कीम, लोअर केस, अपर केस। एवरी प्रेजेंटेशन में हमारी कलर स्कीम अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ दीज रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑन टेक्स्ट ऑन ए स्लाइड। किसी भी स्लाइड्स में जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं, टेक्स्ट को कौन प्लेसमेंट करता है, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर में कौन लगाता है, तो आंसर है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के द्वारा हम किसी भी टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं लेफ्ट राइट सेंटर में। नेक्स्ट है हमारा, द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन एमएस पावरपॉइंट 2010 आर मस्ट सिमिलर टू दोज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन किसके सिमिलर होता है, वर्डपैड 2010, कैलकुलेटर, पेंट, एमएस वर्ड 2010 के सिमिलर होता है ये। नेक्स्ट है हमारा, फॉर्मेटिंग में चेंजिंग द अपेयरेंस ऑफ टेक्स्ट टू मेक इट्स लुक मोर। फॉर्मेटिंग से कोई भी टेक्स्ट हमारा कैसे दिखने लगता है, जब भी हम किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं तो हमारा टेक्स्ट अट्रैक्टिव दिखने लगता है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ MCQ, विच बटन इज यूज टू इंक्रीज फॉन्ट साइज। किस बटन की हेल्प से हम किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, आंसर है हमारा फॉन्ट साइज बटन। नेक्स्ट है हमारे ट्रू फॉल्स, राइट ट्रू और फॉर ट्रू, टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है हमारा, यू कैन नॉट अप्लाई एंड चेंज द कलर स्कीम ऑन द स्लाइड्स। हम किसी भी स्लाइड्स की कलर स्कीम को चेंज नहीं कर सकते, आंसर है हमारा फॉल्स, हम कर सकते हैं। यू कैन नॉट अप्लाई द अलाइनमेंट इन द डॉक्यूमेंट ऑफ एमएस पावरपॉइंट 2010। एमएस पावरपॉइंट 2010 का जो प्रेजेंटेशन का डॉक्यूमेंट्स होता है हमारा, इसमें हम अलाइनमेंट को अप्लाई नहीं कर सकते, आंसर हमारा फॉल्स है, हम अलाइनमेंट्स को यूज कर सकते हैं। द इंडेंट फीचर्स इज यूज टू क्लियर ए पैराग्राफ। इंडेंट फीचर्स का यूज पैराग्राफ को क्लियर करने के लिए किया जाता है, आंसर हमारा फॉल्स है, ये इंडेंट सेट करने के लिए किया जाता है। मोस्ट ऑफ द बटन इन द फॉन्ट ग्रुप आर टॉगल ऑन ऑफ बटन। मोस्टली बटन जो फॉन्ट ग्रुप में होते हैं वो ऑन ऑफ के बटन होते हैं, मीन जिससे हमने बोल्ड पे क्लिक किया फर्स्ट टाइम, दोबारा क्लिक करेंगे तो बोल्ड ऑफ हो जाएगा, इसलिए आंसर हमारा ट्रू है। यू कैन नॉट अप्लाई द स्पेशल इफेक्ट द टेक्स्ट ऑफ एमएस पावरपॉइंट 2010। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 में किसी भी टेक्स्ट को हम स्पेशल इफेक्ट नहीं दे सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, आंसर हमारा फॉल्स है, हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, जस्टिफाइड अलाइन द टेक्स्ट इवनली बिटवीन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। जस्टिफाइड फंक्शंस के हेल्प से हम किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट में इक्वली सेट कर सकते हैं। इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन इज यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन का यूज हम किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। यू कैन क्लिक ऑन थ्रो बटन्स टू गिव स्ट्राइक थ्रो योर टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट का जब हमें स्ट्राइक थ्रो दिखाना, हम इसको कटा हुआ दिखाना, डिलीट दिखाना, तब हम स्ट्राइक थ्रो फंक्शंस का यूज करते हैं। यू कैन क्लिक ऑन क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बटन टू रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग यू हैव डन। अगर हम क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग फंक्शंस पे क्लिक करते हैं तो हमारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाती है। इंडेंटिंग फीचर्स इज यूज टू मूव ए पैराग्राफ और फर्स्ट लाइन। इंडेंटिंग फीचर्स का यूज हम किसी भी पैराग्राफ को मूव करने के लिए, पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को मूव करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारे मैचिंग, जो हमारा फर्स्ट यहाँ पर दिखाया गया है चेंज केस, ठीक है। चेंज केस ऑप्शंस यहाँ पर हमारा जो थर्ड ऑप्शन है सी है, ये हमारा चेंज केस का आइकन्स होता है। टेबल्स का आइकन हमारा ई ऑप्शन, हमारा टेबल्स का आइकन है। स्मार्ट आर्ट में यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है हमारा स्मार्ट आर्ट का आइकन्स होता है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्राइक थ्रो जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ABC में, जिसमें क्रॉस करके दिखाई है हमारा स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शंस होता है। साउंड बी ऑप्शन जो है ऑडियो पर लिखा है, जिसमें ये हमारा साउंड का ऑप्शंस होता है, बटन शो करता है। नेक्स्ट है हमारा रीअरेंज द लेटर एंड मेक द मीनिंगफुल वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड जो दिखाया गया है यहाँ पर SHCEME को अगर हम करते हैं तो स्कीम वर्ड बनता है। ALINGMNET को करते हैं तो अलाइनमेंट वर्ड बनता है। UDRENLNIE को करते हैं तो अंडरलाइन वर्ड बनता है। JSTUFIV को करते हैं जस्टिफाई वर्ड बनता है। नेक्स्ट अगर हाँ MEFORINGTT को करते हैं तो फॉर्मेटिंग वर्ड्स बनता है। ये थे हमारे जंबल्स वर्ड। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच बटन इज यूज टू अप्लाई शेडो इफेक्ट टू टेक्स्ट। शेडो इफेक्ट देने के लिए टेक्स्ट में हम शेडो बटन का यूज करते हैं। राइट डाउन थ्री टॉगल बटन यूज इन एमएस पावर पॉइंट 2010। थ्री टॉगल बटन के बारे में बताइए। बोर्ड इटैलिक्स अंडरलाइन थ्री हमारे टॉगल्स बटन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट द स्टेप टू चेंज द कलर स्कीम ऑफ योर स्लाइड। स्लाइड का कलर हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके स्टेप लिखिए। फर्स्ट है हमारा ओपन एनी प्रेजेंटेशन, क्लिक ऑन द डिजाइन टैब। किसी भी प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं पहले, इसके बाद हम डिजाइन टैब पर क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन द कलर बटन ऑप्शन एंड अप्लाई एनी कलर स्कीम। इसके बाद हम कलर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और कलर स्कीम को अप्लाई करते हैं। ऑब्जर्व द इफेक्ट, इसके बाद इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। जो हमने सिलेक्ट किया वो इफेक्ट हमारा शो होता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या, एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। आंसर हमारा अलाइनमेंट रेफर्स टू द प्लेसमेंट टेक्स्ट इन ए स्लाइड। किसी भी टेक्स्ट को जब हम प्लेस करते हैं तो इसके लिए हम अलाइनमेंट्स का यूज करते हैं। दे आर फोर टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। फोर टाइप्स के अलाइनमेंट्स हैं हमारे, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड। लेफ्ट अलाइनमेंट इज अलाइन द टेक्स्ट टू वर्ड्स द लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट में सेट करने के लिए टेक्स्ट को हम लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज करते हैं। राइट अलाइनमेंट इट्स राइट अलाइन इन टेक्स्ट टू वर्ड्स द राइट मार्जिन। राइट में किसी भी टेक्स्ट को सेट करने के लिए हम राइट अलाइनमेंट का यूज करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडेंट। इंडेंट्स क्या हैं। नेक्स्ट है आंसर है हमारा इंडेंट फीचर्स मूव ए पैराग्राफ और द फर्स्ट लाइन टू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लेस फ्रॉम लेफ्ट और राइट मार्जिन। किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी पैराग्राफ को लेफ्ट और राइट में मूव करने के लिए हम इंडेंट्स का यूज करते हैं, या किसी भी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को मूव करने के लिए हम गैप देने के लिए हम इंडेंट्स फंक्शंस का यूज करते हैं। हॉट क्वेश्चंस विच की इज प्रेस्ड टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए हम कौन सी की का यूज करते हैं। आंसर हमारा कंट्रोल प्लस एम। न्यू स्लाइड, न्यू फाइल्स के लिए हम कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं और न्यू स्लाइड के लिए हम कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ये थी हमारी एक्सरसाइज फॉर्मेटिंग इन एमएस पावर पॉइंट 2010। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।